देखिए, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ रखा था और उसके बाद कई साल मैं एक अच्छे जॉब की खोज में थी। और बिसाइड मुझे सोशल वर्क का भी एक पैशन था कि मैं सोशल वर्क करूँ, लोगों से जुड़ूँ, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और हमेशा सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं पूरे देश में क्या समस्या है ये जान सकूं। और भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बट उसी के साथ मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला था, जबकि मैं बोली कि मुझे एक जॉब सर्च में थी, तो एक नामांकित अच्छी एयरलाइंस की कंपनी में मुझे पोस्ट मिला था। और उस पोस्ट को ज्वाइन होने का समय और यात्रा में ज्वाइन होने का समय बिल्कुल एक था, आगे पीछे 1-2 दिन का गैप। तो मैं कई देर तक एयरपोर्ट में बैठी रही कि क्या करूँ, यात्रा में जाऊँ या सामने मेरा जो कंपनी था उसमें मैं ज्वाइन हो जाऊँ। मन बना लिया कि नहीं, यात्रा में जाऊँगी। ये मुझे बहुत ही ऐतिहासिक मौका है इस ज़िंदगी का, क्योंकि संविधान बचाना है, मेरी आने वाली भविष्य की पीढ़ी जो है उन्हें हमें जॉब प्रोवाइड करना है। तो अगर मैं आज जॉब लग जाऊँगी तो मेरा लिमिटेड लाइफ हो जाएगा, बट अगर मैं यहाँ चली जाऊँ तो मैं आने वाले हमारे जो अच्छा, पीढ़ी है उनके लिए कुछ कर पाऊँगी, इसलिए मैं यात्रा में आ गई। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, हाँ 3,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया है, हाँ जी, क्या कहना है आपका इसके बारे में? वही कहना है, बड़ी मतमारी और बड़ी बहुत ही इतनी कबात कौन कर सके जितनी उन्हें करी, बड़ी कबात करी। और इस कबात का हमने भी बड़ा स्वाद आया, बहुत बढ़िया मज़ा आया, और इसके साथ में हम भी बड़े खुश हुए। और आप पब्लिक ने देख के तो बस मौज ही मौज होगी, पब्लिक इतनी नहीं हुई मेरे यहाँ जितनी वह पब्लिक यहाँ होगी। अगर हम तो भगवान से प्रार्थना चाह, अगर भगवान ने पार करे। जिला शामली से आज आप राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे, नहीं यहाँ पर कोई मीटिंग थी क्या? हम यहाँ पर आए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महानदल के माध्यम से, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनवाइट किया, उन्होंने अपने सब तहसीलदारों को वो किया कि आप राहुल जी के यहाँ पहुँचे, इसलिए हम ऊँचे गाँव में आए जी राहुल जी की शोभा बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ आने पर कैसा लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन है, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। हाँ, तो ये जैसा कि महान दल को बुलाया इन्होंने अपने साथ, और दलों से संपर्क करेंगे तो ये ऐसा ही होगा, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, सरकार को दूसरी सरकारों को नुकसान पहुँचेगा। जब हम एक रीत होते चल जाएंगे तो उनको तो घाटा हो, जो आज सत्ता में है वह नीचे भी आ सकते हैं। सब कोई नफरत नहीं है, सब प्रेम मोहब्बत है, सब प्रेम में रहते हैं। हमारे पीछे सारे मोमडन भाई है, उनकी लड़कियों में हम शादी कराते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, ऐसा कोई वो नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल श्रीमाली। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? शामली के रहने वाले, मैं इनका सुपुत्र हूँ बड़ा। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, सब साथ मिल करें और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चले और मानदल का सहयोग करें।